नहीं होना है ट्रेड लाइन ड्रॉ करते टाइम। जैसे यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक बार यहाँ से हम लोग हाई को मिला है, तो ये ट्रेड लाइन हम लोग का कहाँ बन के आ रहा है, यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक उसी जगह पे एक ट्रेड लाइन और बन रहा है जो कि यहाँ पे टच दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, और मार्केट यहाँ से फॉलो करते हुए ऐसे करके तरफ गिर जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग को दो ट्रेड लाइन मिल जा रहा है। अब थोड़ा चैलेंजिंग हो गया हम लोगों के लिए। अब हम लोग क्या एज ए बिगिनर क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ट्रेड लाइन को हम लोग फॉलो करें ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को फॉलो करें। तो इसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि मार्केट में जिस ट्रेड लाइन को ज्यादा टचेस मिलता है, मल्टीपल टचेस, उस ट्रेड लाइन को हम लोग क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। ऊपर वाले में कितना टचेस था, एक और दो था, लेकिन नीचे वाले में क्या हुआ, एक टच यहाँ मिला, दो टच मिला, इसको एक कंप्लीट तीन टच ले लेते हैं, चार टच यहाँ पे मिला, पांच टच यहाँ पे मिला, ऊपर वाले को दो मिला, नीचे वाले को पांच मिला। तो हम लोग किस ट्रेड लाइन को ज्यादा वैल्यू देंगे और फॉलो करेंगे, नीचे वाले को। कभी भी जब ऐसा आपके आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करते टाइम कंफ्यूजन हो, तो उस टाइम एक ही चीज याद रखना है कि जिस ट्रेड लाइन को सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रहा है, सबसे ज्यादा टचेस मिल रहा है, उसी ट्रेड लाइन को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है? ट्रेड लाइन को लेकर एकदम कंफ्यूज नहीं होना है एकदम सिंपल सा चीज, लेकिन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आने लगा था कि ऊपर वाले को लेके चलना है या फिर नीचे वाले को लेके चलना है। तो अभी क्लियर हुआ?